हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मसालेदार चटपटी अरबी। जो नहीं भी अरबी की सब्ज़ी खाता, आप उसको एक बार ऐसे अरबी की सब्ज़ी बना कर दें, वो बार बार मांग कर खाएगा। इसके लिए हमने अरबियों को लिया है, 250 ग्राम अरबी है, एक गिलास पानी डालकर दो सीटी लगा ली और जब ये थोड़ी ठंडी हो गई तो हम इनको छील लेते हैं। इसमें ये छोटी छोटी अरबियाँ हों, पतली और छोटी, वो ज़्यादा मज़े की बनती हैं। ऐसे ही हम सारी अरबियों को छील लेंगे। ज़्यादा जड़ वाली और मोटी अरबी होगी तो इसका मज़ा कम हो जाता है, इसलिए कोशिश करें कि छोटी छोटी मुलायम अरबी हो। हमने सारी अरबियों को छील लिया। अब या तो आप इसको दोनों हाथों के बीच में दबा कर इसे पिचका दें ताकि ये ज़रा ऐसा हो जाए कि टेस्ट पूरी अरबी में एक सा जाए, या फिर आप इसको एक ऐसी कटोरी ले लें उससे दबा लें। दोनों ही टेक्निक से आप इसे दबा सकते हो। हमने जो है आसानी के लिए हाथ का बता दिया तरीका, अगर आप चाहें तो कटोरी से भी कर लें। हाथ का आसान रहेगा अगर आप हाथ से अगर कर रहे हैं तो। हमको देखिए ऐसे ही मोटाई चाहिए, बस इतनी। हमने सारी अरबियों को ऐसे ही दबा लिया है। अब इधर हमने एक पैन में एक बड़ा चम्मच तेल डाला है, सरसों का तेल डालते हैं इसमें, उसी से इसका मज़ा बढ़ता है। आधा छोटा चम्मच हमने अजवाइन डाली। अजवाइन जब क्रैकल हो गई तो हमने इसमें जो दबा के अरबियाँ रखी गई थी वो हमने इसमें डाल दी हैं, पिचका के अरबी जिसे कहेंगे आप, फ्लैटन करके। अब हम इसको फ्राई होने देंगे ताकि इस पर एक कुरकुरापन आ जाए, गोल्डन सा क्रिस्पीपन। अच्छी तरह से इसे फ्राई होने दें। एक तरफ से फ्राई हो जाए तो पलट के दूसरी तरफ से फ्राई होने दें। सब तरफ से कुरकुरी करकरारी हो जाए, ऐसे हमें इसे फ्राई करना है। अब हम इसमें एक मसाला डालेंगे। जब ये कुरकुरी तल गई तब आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैंने सब्ज़ी के मकसद से इसे एक चम्मच तेल में ही फ्राई किया है। इससे क्या हो जाएगा, तेल भी कम लगा है और कुरकुरी भी हो गई हमारी। इधर हमने दो चम्मच दही, पानी वाला दही लिया, उसमें हमने एक चौथाई चम्मच नमक, एक चौथाई चम्मच पिसी लाल मिर्च और दो तीन चुटकी हल्दी पाउडर डाला। इसको अच्छी तरह से मिला लिया और इसको हमने फ्राई अरबी में डाल दिया। अब जब तक दही का पानी सूखेगा तब तक मसाले भी भुन जाएंगे और अरबी पे ये मसाला लिपट भी जाएगा। तो अब हमें इसमें ना पानी डालने की ज़रूरत है ना कुछ। थोड़ी सी मैंने इसमें कुटी लाल मिर्च डाल दी है, दो चार चुटकी समझ लीजिए। इससे क्या होगा कि कुरकुरा टैंगी सा तीखापन आएगा। पूरा मसाला सूखने दीजिए, क्या होगा तेल भी पूरा ऊपर आ जाएगा मसाला सूखने पर। तेल हमारा ऊपर आ गया है और मसाला भी ऑलमोस्ट सूखने ही वाला है। अब हम इसमें एक चम्मच चाट मसाला पाउडर डाल देंगे, घर का बना हुआ ही। ये मेरा चैनल पे अपलोड है, आप चाहें तो नींबू का रस भी डाल दें। और हमारे ये चटपटी कुरकुरी अरबी मसाला तैयार है। इसे आप चाहे रोटी पराठे के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, सबके साथ मज़े की लगती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड के साथ।